अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमें क्या पढ़ना है? जो पिकनिक्स, ठीक है। ड्यूरिंग सम ऑफ द वीकेंड्स पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन ऑन पिकनिक्स। वीकेंड में क्या करते हैं, पेरेंट्स जो हैं बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं ना, पिकनिक जाते हैं जैसे वीकेंड्स में। क्यों? हम जो पूरे वीक जो है पूरा वीक काम पढ़ते हैं या काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो रिलैक्स करते हैं कि ये पेरेंट्स हमें क्या करते हैं, हम पिकनिक पे चले जाते हैं वहाँ आराम करने के लिए। हम कहाँ जाते हैं? दे गो टू ज़ू जाते हैं या एम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, म्यूज़ियम या रिजॉर्ट चले जाते हैं। हम ज़ू देखने चले जाते हैं या एम्यूज़मेंट पार्क जहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारे चीज़ें रखी होती हैं बच्चों के लिए, उसको एम्यूज़मेंट पार्क कहते हैं। या म्यूज़ियम चले जाते हैं जहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। या हम किसी होटल चले जाते हैं जहाँ हम आराम कर सकें, है ना। चिल्ड्रन लव वॉचिंग द एनिमल्स एट ज़ू। बच्चों को ज़ू में जो जानवर होते हैं उनको देखना भी बहुत पसंद होता है। फैमिली स्पेंड टाइम इन रिजॉर्ट बाय रिलैक्सिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग गेम्स। जो सारी जो सारा परिवार होता है वो रिजॉर्ट में, है ना, होटल्स में आराम करता है, स्विमिंग करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पूरी फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो अच्छा लगता है ना। वी कैन फील द फ्रेश वी कैन फील द फ्रेश एयर एंड एडमायर द नेचर व्हेन वी गो टू रिजॉर्ट इन हिल स्टेशंस। हमें जो है एक फ्रेश ताज़ी हवा मिलती है जब हम कुदरत के नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हैं। जब हम किसी होटल या हिल स्टेशन चले जाते हैं तो हम जो है वहाँ के नज़ारों का खूब लुत्फ़ उठाते हैं, अच्छा फील होता है ना। एक नया मौसम या नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना, तो अच्छा सा लगता है। एक मतलब जो पूरे वीकेंड की जो थकावट होती है वो निकल जाती है। फिर है जो रिलैक्सिंग एट होम। और हम कभी कभी क्या करते हैं, पिकनिक जाने का मूड नहीं होता तो हम घर में ही आराम कर लेते हैं। वी इंजॉय होम बाय प्लेइंग विद आवर सिस्टर एंड ब्रदर्स। हम क्या कर लेते हैं, अपने भाई बहनों के साथ घर में ही खेलने लगते हैं। वी वॉच टेलीविजन विद आवर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ